दोस्तों, आप सब हॉलीवुड की मूवीज तो शौक से देखते होंगे, लेकिन आपने कभी इन मूवीज के पीछे की गई मेहनत को नहीं देखा होगा। असल में जो स्क्रीन पर दिखाया जाता है वो सब असल में नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम आपको हॉलीवुड मूवीज में इस्तेमाल होने वाले VFX या फिर कंप्यूटराइज्ड इफेक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनके बिना आजकल की सारी मूवीज फीकी पड़ जाती हैं। खूबसूरत सीनरी, बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस या फिर बड़े बड़े खौफनाक जानवर, ये सभी कंप्यूटर के जरिए बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन मूवीज के पीछे की असल हकीकत जान जाएंगे। लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने लाइफ ऑफ पाई नाम की मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें पाई पटेल नाम का एक लड़का अपना ज्यादातर वक़्त समंदर के बीच एक बोट पर एक शेर के साथ बिताता है। इस मूवी ने कई लोगों का दिल जीत लिया था। अपने कमाल की ग्राफिक्स की बदौलत इस मूवी ने सभी देखने वालों का मन मोह लिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस मूवी में देखा गया शेर असल में शूटिंग करते वक्त वहां पर था ही नहीं। इस पूरी फिल्म को विजुअल इफेक्ट की मदद से बनाया गया है और पूरी फिल्म ब्लू स्क्रीन पर फिल्माई गई है। शेर की जगह पर एक छोटी साइज का टेडी बियर यूज किया जाता है, जिसे कंप्यूटर की मदद से शेर का रूप दिया गया है। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। दोस्तों, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी को बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, और ऐसा हो भी तो क्यों ना। इस फिल्म में मौजूद किरदार इस अंदाज से डिजाइन किए गए हैं कि इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। और आप सभी तो जानते ही हैं कि इस फिल्म के अभी तक कितने सारे पार्ट्स आ चुके हैं। अगर हम डेवी जोन्स की बात करें तो इस किरदार ने इस फिल्म में जान फूंकी है। ये दिखने में बहुत ही खूंखार लगता है। इसके चेहरे पर हर वक्त ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स हिलते रहते हैं, जो कि एक बहुत ही डरावना लुक देते हैं। ऐसे लाजवाब किरदार को डिजाइन करने के लिए मेकअप किसी काम नहीं आया, इसी वजह से कंप्यूटर का सहारा लिया गया और इसके चेहरे को ग्राफिक्स की मदद से डिजाइन किया गया। और साथ ही इस किरदार को निभाने वाले ब्रिटिश अदाकार ने भी इस किरदार में अपने फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए जान डाल दी। इनके चेहरे के एक्सप्रेशन फिल्म में मौजूद किरदार से नजर आते हैं। द जंगल बुक। दोस्तों, मोगली फिल्म के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में बेहद खूबसूरत जंगल, चहचहाती चिड़िया और अलग अलग तरह के जानवर सामने आ जाते हैं। लेकिन इस मूवी की शूटिंग किसी भी जंगल में नहीं की गई थी। ये पूरी मूवी एक ग्रीन स्क्रीन के ऊपर फिल्माई गई है और सारे जानवर भी कंप्यूटर की मदद से दिखाए गए हैं। लेकिन फिल्म देखने पर यह बात कभी भी हमारे सामने नहीं आती, अगर हमें सच्चाई पता ना हो। गेम ऑफ थ्रोन्स। दोस्तों, क्या आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का 7वां सीजन देखा है? अगर हाँ, तो आपको वो सीन तो जरूर याद होगा कि जब खलीसी के ड्रैगन्स ने पूरी लेनेस्टर आर्मी पर हमला बोल दिया था और उन्हें बुरी तरह से तबाह कर दिया था। बताया जाता है कि इस सीन की शूटिंग करना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि ड्रैगन्स के अलावा वहाँ पर सारी चीजें असली थी और सारे किरदारों को ये मानकर चलना था कि आसमान में एक खतरनाक ड्रैगन उड़ रहा है। इस सीन को शूट करते वक्त कई स्क्रीन डील्स को असली में जलाया गया था और कई सारे घोड़ा गाड़ियों को भी बम से उड़ाया गया था। स्पेशलिस्ट ने धरती पर नकली आग भी बिछा दी थी, जिससे वहां पर सब कुछ जलाया हुआ महसूस हो। ड्रैगन्स की कमी पूरी करने के लिए हवा में एक ड्रोन उड़ाया गया, जिसको बाद में कंप्यूटर की मदद से ड्रैगन का रूप दे दिया गया और फिर खलीसी को एक खास मशीन पर बिठाया गया, जिसके पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी हुई थी। इस मशीन पर बैठकर उसको ऐसा दिखाना था कि जैसे वो एक असली ड्रैगन के ऊपर बैठकर सवारी कर रही हैं, और उसने ये रोल बखूबी निभाया था। डेडपूल। हर सुपर मूवी की तरह डेडपूल को भी पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड VFX की मदद से तैयार किया गया था। इस फिल्म में मौजूद हर सीन के लिए खास ग्राफिक्स डिजाइन किए गए थे और डेडपूल के साथ मौजूद एक्टर को पैरों में 20 इंच के जूते भी पहनने पड़े थे और सर पर एंटीना भी लगाना पड़ा था, ताकि जिससे उसको कंप्यूटर की मदद से एक अलग ही अपीयरेंस दिया जा सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।